हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू यू नो विद जे के। आज मैं फिर से आपके लिए दो एंडेंजर स्पीसीज की जानकारी लेंगे। हमारी फर्स्ट जो स्पीसीज है उसका नाम है रेड पैंडा। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस रेड पैंडे को कितना अच्छा है, स्वीट सा है ये देखने में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके बारे में तो इसका साइंटिफिक नेम है एलुरस नाम दिया गया है इसको। और इसकी फैमिली कौन सी है? अलुरेडी इसकी फैमिली है। और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ये मैमिलिया क्लास से बिलोंग करता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैमिलिया वो जानवर होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और जो दूध पिलाते हैं बेसिकली। और नाउ इसकी किंगडम कौन सा है? इसकी एनिमिली किंगडम है। एनिमिली किंगडम अगेन वो जानवर जो एनिमल किंगडम से। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, कैसे मिलता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है। तो बेसिकली ये जो पाए जाते हैं ईस्टर्न हिमालय प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया चाइना, हो गया नेपाल, हो गया भूटान, हो गया। और इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में सिक्किम में पाए जाते हैं। और इनकी डाइट क्या होती है? बेसिकली इनकी डाइट बैम्बू होती है, ज़्यादातर बैम्बू की लीव्स वगैरह खाते हैं। और कभी कभी ये इंसेक्ट्स वगैरह और बर्ड्स के एग वगैरह खा लेते हैं, छोटी छोटी बर्ड्स के। और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 23 ईयर की होती है ऑलमोस्ट, अगर ये एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे, वरना इनकी 14 साल तक होती है इनकी उम्र। ओके, नाउ हम नेक्स्ट स्पीसीज के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्पीसीज है डुगोंग। डुगोंग एक सी काओ के नाम से भी जाना जाता है जानवर। बहुत बहुत ही प्यारा जानवर होता है और वेजिटेरियन जानवर है ये, घास फूस खाता है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डुगोंग डुगोन के नाम से इसे साइंटिफिक नेम दिया गया है। एनिमिलिया इसकी किंगडम है और मैमिलिया ये क्लास से बिलोंग करता है। डुगोंग गिंग डाइंग से इसकी फैमिली बिलोंग करता है ये। ओके, एंड ये बहुत ही सुस्त आदमी सुस्त जानवर होता है ये। और ज़्यादातर ये पानी की घास वगैरह को ही खा के कंज्यूम करके उनको ये रहता है वहाँ पे। तो आइए जानते हैं कहाँ रहता है ये, कहाँ पाया जाता है। तो बेसिकली ये पैसिफिक है, इंडियन ओशन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू रेड सी और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इन सब जगहों में पाया जाता है। और इसकी डाइट क्या है? इसकी डाइट है ग्रास वगैरह ये खाता है। और जैसे कि समुद्र के नीचे जो छोटी छोटी घास वगैरह होती है ये उन पर डिपेंड होता है, ये उन्हीं को खा के जिंदा रहता है। ओके, तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करेंगे तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स तक है होती है, ये 70 साल तक जी सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।